ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्टेड कमलनाथ जी को। मंत्रिमंडल में मेरे साथी लखन गंगोरिया जी, सुखदेव पांसे जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी, विधायक सुजीत भाई, कमलेश भाई, सभी हनाया, नीलेश भाई, हमारे सब यहाँ उपस्थित विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गंगा तिवारी जी, हमारे भूतपूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, सभी यहाँ उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों और सभी यहाँ प्यारे बच्चों और जोड़ियाँ, बहुत बहुत खुशी हुई आज इस कार्यक्रम में आके। आपके जीवन का ये एक नया मील का पत्थर आप पार कर रहे हैं, एक नई जीवन की शुरुआत है आप सबकी। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि सब धर्मों के, सब जातियों के बच्चे यहां आज जोड़ियां उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। अपने जीवन की यात्रा में यह एक नया शुरुआत है। परिवार ही सबसे बड़ी शक्ति है और परिवार हमें बल और शक्ति देता है, हमारे हौसले बढ़ाता है। ये जो नई, जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जो एक नई यात्रा आप शुरुआत कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि इस नई यात्रा शुरू करने में भी आप एक संकल्प लेंगे। आप संकल्प लेंगे कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। आप संकल्प लेंगे कि हमारे जो समाज के मूल्य हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, इसे केवल जाने पहचानेंगे नहीं, पर इस संस्कृति को हमेशा और इन मूल्यों को हमेशा आप अपनाएंगे। ये आज आपका संकल्प होए, अपना अपने देश में, अपने जिले में विभिन्न समाज हैं, अपने देश में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में विभिन्न धर्म हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है कि धर्म होए, जातियां होए, भाषाएं होए, रस्म होए, सब साथ और भाईचारे में अपना जीवन काटते हैं। यही हमारे प्रदेश की और हमारे देश की पहचान है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये केवल आज सामूहिक विवाह ही नहीं है, पर सामूहिक विवाह के साथ साथ जो विवाह हो रहा है, ये आपके रस्म, आपकी जो संस्कृति है, उसके अनुसार हो रहा है। हर जाति का, हमारे आदिवासी होए, हमारे हिंदू होए, हमारे बौद्ध होए, सब का आज विवाह उनकी रस्म और उनकी संस्कृति से हो रहा है। इस बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। जैसे आपके जीवन की एक नई शुरुआत है, मेरी यात्रा भी 40 साल पहले, जीवन की एक यात्रा 40 साल पहले शुरू हुई थी कि हम एक ऐसा छिंदवाड़ा बनाए आप सबके लिए। आप सबका उस समय जन्म नहीं हुआ था, पर मेरा स्वप्न था कि हम छिंदवाड़ा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाएं। आपके माता पिता और दादा की दुनिया कुछ और थी, आज आपकी दुनिया कुछ और है। आज के बच्चों में, आज के नौजवानों में जो ज्ञान है, हमारे बुजुर्गों को वो ज्ञान नहीं था। आज के बच्चे गांव में भी होए, आदिवासी भी होए, आज के बच्चे इंटरनेट से जुड़े हैं। आज के बच्चों को जो ज्ञान है, कभी इतिहास में इस पीढ़ी को इतना ज्ञान नहीं है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान ही आपके सबसे बड़ी शक्ति है। इस ज्ञान का आप उपयोग करें। आप इस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। जब मैंने शुरुआत करी थी, छिंदवाड़ा क्या था? इन बच्चों ने, आपके माता पिता ने भी वो छिंदवाड़ा नहीं देखा। वो छिंदवाड़ा जहां
पीने के पानी के लिए 10-15 किलोमीटर जाना पड़ता था, जहां हमारी सड़कें नहीं होती थी, जहां हमारे 2000 गांव में केवल 400 450 गांव में बिजली थी, वो भी एक छिंदवाड़ा था। उस समय का छिंदवाड़ा और आज के छिंदवाड़ा में कितना अंतर है। आज की जय नई पीढ़ी है, आपने अपने जीवन की शुरुआत करी है और आप इस यात्रा में निकले हैं, एक दूसरे छिंदवाड़ा की यात्रा में, एक दूसरे प्रदेश की यात्रा में, जहां आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। सबसे बड़ी चुनौती आपके भविष्य की है। आज जिन बच्चों का विवाह हो रहा है, आज जो आप ये सामूहिक विवाह में आए हैं, सबसे बड़ी चिंता मुझे आपके भविष्य की है। पहले चिंता होती थी कि पानी पहुंच जाए, पहले चिंता होती थी बिजली पहुंच जाए, आज की चिंता और 40 साल पहले की चिंता में भी अंतर है। आज की चिंता है कि आप का भविष्य कैसे सुरक्षित होए, आपका भविष्य कैसे उज्जवल होए। क्या हमारे नौजवान, बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी में अपना जीवन काटेंगे? आज ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज जो हमारे आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, जो पलायन हो जाता है हजारों की संख्या में, आज वो मजदूरी कैसे बंद करी जाए, ये आज हमारे सामने चुनौती है। और यही हमारा प्रयास है अपने जिले के लिए, अपने पूरे प्रदेश के लिए, कि हमारे नौजवानों का जीवन कैसे सुरक्षित रहे। आप जो बच्चे बैठे हैं यहां, आप निर्माण करेंगे छिंदवाड़ा का, आप निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का, आप निर्माण करेंगे पूरे देश का। और अगर आपका भविष्य सुरक्षित नहीं रहा, आपका भविष्य उज्जवल नहीं रहा, तो कैसा निर्माण हमारे छिंदवाड़ा का होगा? यही मेरा प्रयास इतने सालों में रहा। जब मैंने 40 साल पहले, जैसे आपने ये यात्रा शुरू करी है, मैंने ये यात्रा छिंदवाड़ा का एक नया नक्शा बनाने की शुरू करी थी, कि हम छिंदवाड़ा की एक पहचान बनाएं, छिंदवाड़ा में विकास का एक नक्शा हमने बनाया था। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, पर आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। आज भी हमारी स्वास्थ्य सुविधा में कमी है, आज भी हमारी शिक्षा सुविधा में कमी है, आज भी कई क्षेत्रों में ये कमी है। यही हमारी आज हमारे सामने चुनौती है। हमने 40 साल में कोई ऐसी घोषणा नहीं करी। घोषणा करने वाले तो आए थे, कुछ दिन पहले शिवराज सिंह जी आए थे, 15 साल घोषणाएं करते रहे, 15 साल कलाकारी करते रहे, छिंदवाड़ा आए, कहते हैं मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, मैंने शुरुआत करी। शिवराज सिंह जी कितना झूठ बोलेंगे, मुंह तो बहुत चलता है आपका, पर मुंह चलता है झूठ बोलने में। आप छिंदवाड़ा की जनता को मत सोचिए कि वो समझदार नहीं है, छिंदवाड़ा के लोगों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। शिवराज जी जब ये मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई, तो उस समय मैं केंद्र के मंत्रिमंडल का सदस्य था। कांग्रेस की सरकार ने मार्च के महीने में, मार्च 2014 में इसकी स्वीकृति दी थी। आपने तो कोशिश करी थी कि ये ना खुले, शिवराज जी आपने कोशिश करी थी कि ये दूसरे जिले में चला जाए। 3 साल 4 साल आपने इसमें काम शुरू नहीं होने दिया, और आप कहते हैं ये मैं लाया, कहते हैं माचा गोरा मैं लाया, माचा गोरा की जो सिंचाई का हमारा बांध है। शिवराज जी ने तो माचा गोरा का नाम भी नहीं सुना होगा, उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा जब दिग्विजय सिंह और मैंने इसका शिलान्यास किया था। उस समय इसकी शुरुआत हुई, और शिवराज जी आके कह गए कि मैंने माचा गोरा शुरू किया। तो आज बच्चों, मैं आपको परिचय देना चाहता हूं इनका, कि किस प्रकार ये अपने कलाकारी से गुमराह करने में माहिर है, झूठ बोलने में माहिर है। 15 साल में 13,000 घोषणाएं करी, 13,000 घोषणाएं करी। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज जी, ये इन घोषणाओं का आप हिसाब किताब तो दे दीजिए जनता को। इसीलिए तो जनता ने आपको बेरोजगार आज बिठाया है, बेरोजगार बनाया है, और तैयार रहिए
बहुत समय आप बेरोजगार रहने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है, मध्य प्रदेश की जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। मोदी जी के बारे में क्या कहें, आप सब मोदी जी को सुनते हैं ना, कभी नौजवानों की बात करते हुए सुना? बताइए, क्या नौजवानों की बात करते हुए सुना, क्या किसानों की बात करते हुए सुना? यही मोदी जी जो कहते थे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मैं कृषि क्षेत्र को फायदे का नफा का काम बनाऊंगा, आज इनकी बात नहीं करते। आज मोदी जी तो किस चीज की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान का भैंस दिखाएंगे। मोदी जी, इंदिरा गांधी जी ने तो 90,000 पाकिस्तानी जवानों को कैद और सरेंडर करवाया था, और आप इसकी बात नहीं करेंगे? ये कलाकारी बहुत हो गई। मोदी जी आज किसानों की बात नहीं करेंगे, मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, कहेंगे हम राष्ट्रवाद हैं और जो मेरा विरोध करता है वो देशद्रोही है। देशद्रोही कौन है ये जनता तय करेगी। मोदी जी, क्या आपके पार्टी में एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी कभी रहा हुआ है? एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा। और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे, ये कलाकारी की राजनीति। अब तो मुझे ये छिंदवाड़ा के लोगों को नहीं कहना, छिंदवाड़ा के लोगों ने तो 40 साल से सच्चाई का साथ दिया है। और बच्चों, जो आपके परिवार ने मुझे बल और शक्ति दी, इतने साल आपने मुझे बल और शक्ति दी, आपने वोट मुझे नहीं दिया, आपने अपना प्यार और विश्वास मुझे दिया है, और यही प्यार और विश्वास मेरी शक्ति रही है, और इसी शक्ति से आज छिंदवाड़ा की नई पहचान है, आगे भी छिंदवाड़ा की नई पहचान बनती रहेगी। जो हमारी योजनाएं हैं, हमारा कृषि विश्वविद्यालय हुए, हमारा हॉर्टिकल्चरल कॉलेज हुए, और हमारे प्रशिक्षण केंद्र हुए, इसकी गति केवल बढ़ेगी। हमारा आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, हमारा एक ऐसा अस्पताल यहां बनने जा रहा है जहां लोगों को नागपुर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, नागपुर वालों को छिंदवाड़ा आना पड़ेगा इलाज के लिए, ऐसा अस्पताल बन रहा है यहां। ये केवल घोषणा नहीं है, ये अगले 2-2.5 साल में बन जाएगा, इसका काम चल रहा है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में हमारा प्रयास है कि हम विकास का एक नया इतिहास बनाएं, हमारा प्रयास है कि हम कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाएं। 70% लोग अपने प्रदेश के कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, आज ये बच्चे जो आए हैं ये सब कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए बच्चे हैं, और जब तक कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों के हाथ में क्रय शक्ति नहीं हुई, खरीदने की ताकत नहीं हुई, तब तक इन बच्चों की अच्छी पढ़ाई या अच्छे कपड़े संभव नहीं है। हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, यही हमारा प्रयास है, और मुझे विश्वास है कि जो जनता ने हम पर भरोसा किया है, हम इस भरोसे पर खड़े उतरेंगे। हमने जो अपने वचन पत्र में कहा है, 5 साल के लिए हमने वचन पत्र बनाया है, इसकी शुरुआत तो कर दी। आज बिजली 100 रुपए में 100 यूनिट मिलती है, सही बात है, मिलती है। आज हमने किसान का कर्जा माफ करना शुरू किया है, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है आज तक। हमने जो वचन दिया था कि 2 लाख रुपए तक का हम फसल ऋण माफ करेंगे, ये हम माफ करेंगे। दित्ता चिल्लाते रहे, दित्ता आलोचना करते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अंत में सच्चाई तो सच्चाई है। अगर यहां से रेल चलती है दिल्ली के लिए, अगर यहां हमारी सड़कें हैं, अगर यहां हमारे स्किल सेंटर है, ये सच्चाई है, घोषणा नहीं है, और यही हमारे आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी शक्ति बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके परिवार ने जो मेरे जवानी में मुझे विश्वास रखा था, जो प्यार और विश्वास दिया था, आपका भी प्यार और विश्वास मुझ पर बना रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
इतने सारे प्यार अपनेपन और स्नेह के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय कमलनाथ जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम निवेदन करते हैं माननीय कमलनाथ जी से।